फ्रेंड्स, अपना टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो टॉपिक पढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन दबाएं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी कैसे निकालेंगे। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी निकालने से पहले ये देखें आप, जैसे मैंने लिखा ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ठीक है फ्रेंड्स। कट टक टक टक, ये गए अपन आगे डेस 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 एंथ टर्म्स तक। तो एंथ टर्म्स को अपन कैसे लिखते थे, एंथ टर्म्स को अपन लिखते थे ए प्लस एन माइनस वन डी, एंड जस्ट इससे पहले वाली टर्म्स को अपन लिखते ए प्लस एन माइनस टू डी। तो ये वैल्यू कम होती 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 लास्ट में टी एंथ टर्म्स पे ए प्लस एन माइनस वन डी आता था, इस टाइप में आता था। इस पर यहाँ पे कोमा लगा दे, सीरीज के फॉर्म में ना लिखे अपन इसको, सिक्वेंस के फॉर्म में लिख देते हैं, अभी प्लस नहीं लगाते बीच में। तो आप देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कौन सी टर्म्स थी, ये टर्म्स थी टी वन टर्म्स, ये थी टी टू टर्म्स, ये थी टी थ्री टर्म्स, ये थी टी फोर्थ टर्म्स, ये थी टी एन माइनस वन टर्म्स, ये थी टी एन टर्म्स। ये वाला अपना कुछ टोटल ऐसा सीन होता था, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ए क्या होता था, फर्स्ट टर्म होती थी, डी क्या होता था, कॉमन डिफरेंस होता था। तो इस टाइप में अपन लिखते थे। अब इसको मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं एस को बोलते हैं अपन समेशन, समेशन को बोलते हैं एस से रिप्रेजेंट करते हैं। समेशन का मतलब होता है इनका सम करना, सभी को ऐड करना। तो मैं जब लिखूंगा एस, मैं लिखूंगा एस एन, इसका क्या मतलब हुआ, समेशन ऑफ एंथ टर्म्स, समेशन ऑफ एन टर्म्स, एन एंथ नहीं सॉरी एन टर्म्स, समेशन ऑफ एन टर्म्स। तो एन टर्म्स के समेशन को एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये किसको शो करेगा, ए फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस टू डी थर्ड टर्म, यो चलता जाएगा कारवा अपना। और लास्ट में आ जाएगा यहाँ ए प्लस एन माइनस टू डी प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी, ये लास्ट टर्म आ गया यहाँ पे। इस टाइप में इसको लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं एस एन को वापस नीचे, एस एन के नीचे एस एन ही लिखता हूँ, और कैसे लिखता हूँ ध्यान से देखना। एस एन के नीचे क्या लिखता हूँ, एस एन ही लिखता हूँ, लेकिन रिवर्स ऑर्डर लिख देता हूँ। कैसे, मुझे ये बताइए, वन प्लस टू क्या होता है, थ्री होता है। तो फ्रेंड्स, टू प्लस वन क्या होता है, ये भी थ्री होता है। तो वन प्लस टू थ्री होता है, वैसे टू प्लस वन भी थ्री होता है। तो फ्रेंड्स एक चीज बताएं, अगर मैं इन सारी टर्म्स को रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, किस ऑर्डर में लिख दूं, रिवर्स ऑर्डर में, यानी ये तो फर्स्ट पे आ जाए, ये सेकंड पे आ जाए, तो फ्रेंड्स क्या होगा, ये उधर चले जाए लास्ट में, ये सेकंड लास्ट में, तो इनका सम क्या रहेगा, सम तो ऐसा नहीं रहेगा। तो मैं रिवर्स ऑर्डर में इनको लिखते जा रहा हूं, कैसे, यहां पे देखिए आप क्या हुआ, फर्स्ट में एस के ए के नीचे क्या लिखा मैंने, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस डी के नीचे क्या लिखा, ए प्लस एन माइनस टू डी। यूं चलता गया कारवा अपना, लिखते 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 यहां पे आए सेकंड लास्ट टर्म, सेकंड लास्ट टर्म को क्या होगी, ए प्लस डी, एंड लास्ट टर्म क्या होगी, ए, ये वाली ए, ये लास्ट में चली गई, ए प्लस डी सेकंड लास्ट हो गई, और ये इधर से आया, ये तो फर्स्ट नंबर पे आ गया, ये सेकंड नंबर पे आ गया, यूं यूं मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इनका सम कर देता हूं, क्या करता हूं, इन सबका सम कर देता हूं। कैसे करता हूं, ये लाइन खींची मैंने, अब इनका सम किया, तो यहां क्या हुआ, टू एस एन इज इक्वल टू, देखना फ्रेंड्स, ये वाला एंड ये वाला, यहां पे तो ये, यहां पे ये, इनका सम होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, टू ए प्लस एन माइनस वन टी। फिर अगले में देखिए, ये वाला एंड ये वाला सम होगा, तो क्या होगा, ए एंड ए क्या हो गया, टू ए प्लस एन माइनस टू था, यहाँ डी था, डी कॉमन आएगा, तो ये वन एंड माइनस टू गया, तो यहां पे बचा एन माइनस वन डी। आगे बढ़ते बढ़ते चलते हैं, यहां पहुंचे तो यहां क्या मिला मेरे को, यहां पे देखो आपको क्या मिला, इसको एंड इसको सम किया आपने, तो ए ए एंड ए क्या हो गया, टू ए हो गया प्लस एन माइनस टू एंड डी, इनको सम किया तो क्या हुआ, एन माइनस वन डी हो गया, है ना। उसके बाद देखें प्लस यहां पे भी क्या हो गया, सेम चीज, क्या टू ए, ये टू ए प्लस एन माइनस वन एंड डी। तो फ्रेंड्स आपको पता लगा कि सेम चीज ये वाली एंड ये वाली एंड ये वाली एंड ये वाली, ये सब सेम है क्या, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये कितने टाइम्स रिपीट होगी, जितनी टर्म्स थी, टर्म्स कितनी थी, एंथ टर्म्स थी, तो ये कितने बार रिपीट होगी, एंथ टाइम्स रिपीट होगी। तो टू एस एन इज इक्वल टू, जैसे लिखा हुआ है आपके पास टू 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 टू, कितने टाइम्स लिखा हुआ है, फोर टाइम्स। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, फोर डॉट टू, यानी क्या होगा, सॉरी ऐसे नहीं, सम के फॉर्म में है ना, तो प्लस प्लस करें, जैसे प्लस प्लस कितनी बार लिखा हुआ है, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस, फोर टाइम्स। तो इसको कैसे लिख सकते हो, फोर डॉट टू। तो देखो टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू एट, फोर डॉट टू भी एट,
तो यहां पे ये वाली चीज कितने टाइम्स रिपीट हुई, एंड टाइम्स, किसमें लिखा हुआ है, प्लस में, सेम फंक्शन यहां पे लगेगा, सेम तरीका जो अभी लगाया था, एन डॉट टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये अपना फॉर्मूला किसका बन गया, एंथ टर्म्स का फॉर्मूला बन गया, एंथ टर्म्स सॉरी एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला बन गया, एंथ टर्म्स का फॉर्मूला तो टी एन था, ये एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला बन गया एस एन एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। आगे बढ़ते हैं तो इसी फॉर्मूले को एक अदर फॉर्म में अपन लिख सकते हैं, वो फॉर्म क्या है देखो, मैं अगर इसको इस टाइप में लिखूं एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, किसी को दिक्कत, टू ए वापस हो गया, ये टू ए, तो इसको आगे जाके अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई टू ए प्लस एल, एल क्या हुआ फ्रेंड्स, लास्ट टर्म, एल क्या हुआ लास्ट टर्म, टीएनथ टर्म्स, ये टीएनथ टर्म्स, तो टीएनथ टर्म्स क्या होती है लास्ट टर्म, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला भी अपने पास एन सम ऑफ एन टर्म्स का एक फॉर्मूला बन गया, तो सम ऑफ एन टर्म्स के आपके पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन गए, एक वाला तो ये फर्स्ट वाला एंड सेकेंड वाला ये, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्या कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी ब्रेकेट में, और यहां पे होता है एन बाई टू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म्स एंड मल्टीप्लाइड बाई एन बाई टू, तो ये क्या होता है एस एन, तो ये एस एन के सम ऑफ एन टर्म्स का अपन ने दो फॉर्मूले सीखे हैं, ये दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, तो ये सारा इसका प्रूफ था, नोट डाउन करें। तो फ्रेंड्स अब क्या करते हैं अपन, अपना फर्स्ट टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, अपन को फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकालना सीखना है, अपने पास दो फॉर्मूले थे, सबसे पहले क्वेश्चंस को करने से पहले याद रखें, अपने पास एस एन के दो फॉर्मूले होते थे एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एक फॉर्मूला ये था, सेकेंड फॉर्मूला ये था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, कौन सी टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट, अब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर करना है, तो एस एन इज इक्वल टू अपन लिखते हैं वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस, अब टर्म्स टोटल एन नेचुरल नंबर है तो लास्ट की टर्म क्या होगी, एन होगी फ्रेंड्स, सपोज 10 तक होंगे तो एन की जगह 10, अगर 12 टर्म्स होगी एन की जगह 12 टर्म्स का करना है तो 12 आ जाएगा, ऐसे आता जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बना, इनका सम करना है अपन को, तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू फर्स्ट प्लस लास्ट, इसको लगाने पे लंबा पड़ेगा ये शॉर्ट पड़ेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो है अपना वन, एंड लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है अपना एन, तो फर्स्ट प्लस लास्ट क्या हुआ एन बाई टू एन प्लस वन, फर्स्ट प्लस लास्ट, तो ये फॉर्मूला हुआ, तो अपने फॉर्मूला क्या बन गया, अपना फॉर्मूला बन गया कि एस एन इज इक्वल टू एन एन प्लस वन बाई टू, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला है। सपोज आपको पूछे कि 50 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करें, आपको क्वेश्चन पूछा कि 1 to 50, 1 to 50 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करें, तो सीधा आपका सम क्या होगा, एस 50 इज इक्वल टू होगा आपके पास एन एन प्लस वन बाई टू, यानी 50 × 51/2, ये आंसर होगा। सपोज आपको पूछ ले कि भैया आप ये बताइए कि 10 to 100, 10 to 100 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, 10 to 100 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, तो अगर कोई बच्चा ऐसे लिखे एस 100 इज इक्वल टू 100, यानी एन एन की जगह 100, यहां लिखा 100 प्लस 1 यानी 101/2, ये होगा, तो ये बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा, ये क्या होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, आपने तो फॉर्मूला बताया था, भैया मैंने बताया था 1 to 100, क्या बताया था, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यानी 1 to 100 तक जाओ आप, तब मेरा फॉर्मूला ये लागू होगा, आपने 10 to 100 जाना है, तो आप कहोगे सर फिर कैसे करेंगे, तो भैया आप ऐसे करो एस 100 माइनस एस 9 कर दो, कि एस 100 का सम निकालो, उसमें से फर्स्ट से लेके 9 तक का सम निकालो, उसको सबसे कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो एस 100 क्या होगा, एस 100 होगा आपका 100 × 101/2 माइनस एस 9 क्या होगा, 9 होगा या 9 और इंटू में 2, तो 9 × 10, 9 होगा या 10 होगा, तो 9 × 10/2, ये हो जाएगा फ्रेंड्स एस 100 माइनस एस 9, तो ये क्या होगा, ये होगा 10 to 100 का सम हो जाएगा नेचुरल नंबर्स का, तो इस टाइप में आप कर सकते हैं सवाल, और भी सवाल आ सकते हैं आपके सामने। सेकंड नंबर पे सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स, अब आपको क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स का सम करना है आपको, तो देखो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ओड नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, वन से, 1, 3, 5,
सेवन नाइन ये चलता जाएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने ये आएगी कि nth टर्म्स निकालो, nth टर्म्स क्या होगी, तो nth टर्म्स आप लिखो ना, tnth टर्म्स क्या होगी, tnth टर्म्स होगी a प्लस एन माइनस वन डी, ये तो होती है tnth टर्म्स। तो a क्या हो गया, ए वन हो गया, n क्या है, ये n टर्म्स निकालनी है अपन को, n ओड नेचुरल टर्म्स है। d क्या है, d कॉमन डिफरेंस कितना होता है ओड नंबर्स में, टू, तो ये टू है। तो फ्रेंड्स ये क्या बनी, टू एन माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो ये बना टू एन माइनस वन, तो nth टर्म्स क्या हुई, टू एन माइनस वन। तो मैं लास्ट की टर्म्स को यहाँ कोमा लगा के क्या लिख दूं, टू एन माइनस वन। तो ये फर्स्ट टर्म है और ये वाली कौन सी है, लास्ट टर्म। तो ये तो फर्स्ट टर्म हो गई, ये वाली टर्म्स कौन सी होगी, लास्ट टर्म। फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल। तो एन बाई टू लीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, फर्स्ट टर्म क्या थी, वन थी, एंड लास्ट टर्म क्या थी, लास्ट टर्म थी टू एन माइनस वन। तो देखो वन से वन गया, टू से टू गया, तो क्या आया एन स्क्वायर। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सॉरी फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या है, एन स्क्वायर है। फ्रेंड्स याद रखना आपको ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स क्या है, एन स्क्वायर है फ्रेंड्स। तो इसको नोट डाउन करें, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एन स्क्वायर, ये सब नोट डाउन करें फ्रेंड्स। अब अपन पढ़ते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इवन नेचुरल नंबर होते हैं अपने पास टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट, आपको इस टाइप में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको दिक्कत आएगी कि एंथ टर्म्स क्या है, तो वही एंथ टर्म्स फाइंड आउट करें। टीएंथ टर्म्स क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए क्या है फ्रेंड्स, टू एन माइनस वन, डी कॉमन डिफरेंस कितना है टू, तो यहां टू, तो आपने क्या करा मल्टीप्लाई किया, तो टू एन माइनस टू एन टू गया, तो क्या बचा, टू एन बचा। तो एंथ टर्म्स क्या हो गई, यहां पे टू एन हो गई। अब अपन को सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू फर्स्ट प्लस लास्ट ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म्स तो अपनी टू है और लास्ट टर्म है टू एन, तो फ्रेंड्स क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा एन बाई टू टू एन प्लस टू, यानी आप बोल सकते हो एंथ टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो गया, सम ऑफ एंथ टर्म्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हो गया, इसको टू से डिवाइड कर दें, एन एन प्लस वन, ये फॉर्मूला क्या बन गया, एन एन प्लस वन। तो फर्स्ट, तो अपन ने अभी तक तीन फॉर्मूले पढ़े हैं, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एन एन प्लस वन बाई टू था, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स का था एन स्क्वायर, एंड सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है एन एन प्लस वन। नोट डाउन करें,